आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान चलाने की तैयारियां खरगोन में जोरों पर देखी गई, जिसको लेकर खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के नेतृत्व में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा नगरपालिका अमला अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई। इस दौरान कलेक्टर वर्मा ने बताया कि नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रत्येक मतदाता से अपील है कि अपना नाम मतदाता सूची से जुड़वाएं और अपने मत का सही उपयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हो रहा है और 5 प्रण की एक शपथ ली जाएगी और वीरों का सम्मान होगा और राष्ट्रध्वज फहरा करके राष्ट्रगान होगा। ये सभी कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप यहाँ पे लोग जितने भी हैं, जो लोग गांव में जाएंगे, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी अपने गांव में जाकर उस कार्यक्रम में आज शामिल हो और 16 तारीख कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हो। मेरी पार्टी मेरा देश का कार्यक्रम की रूपरेखा ये थी, जिसके लिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये 16 तारीख को धूमधाम से बने उसका एक प्रत्याशन हम सभी को करना है और 16 तारीख को फिर से इकट्ठे हो रहा है। वो स्थान की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये हमारा मेरी पार्टी किला में जो जगह किले के नीचे वहाँ पर वो जगह चिन्हित की गई है। आप सभी को मालूम है कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी की अपील पर हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त के बाद मनाया गया था और चूंकि इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपील की गई है कि हम लोग फिर से हर घर तिरंगा लहराएंगे, तो देरी किस बात की? जिसने तिरंगा नहीं खरीदा हो तिरंगा खरीद लें और अपने पड़ोसी को भी देख लें, उसने नहीं खरीदा हो तो उसको भी तिरंगा या तो गिफ्ट कर दें या उसको तिरंगा खरीदवा लें। तिरंगे की उपलब्धता सभी कर लें। हमारे घर में सांझ से 13 से 15 अगस्त हमारी दुकानों में, हमारे जो प्रतिष्ठान है, सभी शासकीय कार्यालयों में सभी जगह झंडा तिरंगा झंडा लहराएगा, तो इसकी भी आज हम लोगों ने इसका पूरा अपील है, इसका भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अब सभी लोग इसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग एक रैली निकलवाएंगे। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण जो आप सभी को मालूम है, आज लाडली बहना भी है। कल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे पूरे प्रदेश में फिर से सभा हमारे हमने उसको ओपन करके उसमें आप चेक करोगे तो अपने घर वालों के नाम चेक कर सकते हो, घर में सही नाम है कि नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन द्वारा उसमें जोड़ सकते हो। ऐसे ही एक मोबाइल एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने जो प्ले स्टोर है उससे मोबाइल में अपलोड कर लें वोटर हेल्पलाइन ऐप और उसमें जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जो भी चेक करना है कि आपका पहले से मतदान बूथ है तो बूथ कौन सा है, बूथ नंबर जाकर वोटर आई डी में डालिएगा या वोटर आई डी में आपका फला मतदान केंद्र में आपका नाम है या हो सकता है आपका नाम कट गया हो, क्योंकि वोटर कार्ड आपके पास है तो गारंटी है कि मतदाता सूची में आपका नाम भी हो, और मतदाता सूची जब तक हमारा नाम नहीं है जब तक हमको वोट डालने का अधिकार नहीं मिल जाता भले ही हमारे पास वोटर कार्ड हो, तो ये सुनिश्चित करना चेक कर लेना कि मेरा नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है, और नहीं जुड़ा हुआ तो क्या करना चाहिए हमको हमारा मोबाइल ऐप के माध्यम से ही जो हमारा वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसमें दो प्रूफ मांगता है, एक तो मांगता है हमारा एज प्रूफ उम्र का प्रूफ वो हमारे पास में मार्कशीट है या जन्म प्रमाण पत्र है, और दूसरा क्या मांगता है हमारा एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में हमारे पास आधार कार्ड है जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट है घर में वो हम लोग दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरा ये जन्मदिन ये है। तो इस आधार पर नया फॉर्म 6 है उसमें आता है वोटर हेल्पलाइन ऐप में फॉर्म 6 में अपना नाम जोड़ने के लिए आप जोड़ दिया था ऑनलाइन कर सकते हो, आपको किसी के जाने की आवश्यकता नहीं है चक्कर लगाने की। दूसरा सभी मतदान केंद्रों पर PLO 2 अगस्त से 31 अगस्त तक बैठ रहे हैं, सभी मतदान केंद्रों पर बैठे हुए आप वहाँ पे जाकर भी अपना फॉर्म भर के भी नाम जुड़वा सकते हो। एक दूसरे का यह है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का नाम दूसरे जिले में या दूसरे मतदान केंद्र में और वो यहाँ पे आ गया है पहुँच गया है, तो उसमें नाम जुड़वाने के लिए आपको नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका नाम किसी का पिछला में था और पिछला से खरगोन में आ गया है तो पिछला में नाम कटवाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म 8 है इसका, फॉर्म 8 में आपको फॉर्म 32 में लिखना है कि मेरा पूर्व नाम यहाँ पर था और मैं यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। तो
पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में आज पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर सभी पंचायतों में आजादी मेरी माटी मेरा देश और नगर पालिका खरगोन में क्योंकि 16 तारीख को इसका मेरी माटी मेरे देश अभियान का आगाज होगा तो उसके प्रचार प्रसार करने के लिए आज बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। ये आजादी का अमृत मौसम में आज 9 अगस्त को विशेष दिन है, यहाँ पर पूरे देश से भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था और इसी कड़ी में आज हम लोग ये मेरी माटी मेरा देश अभियान का मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गाँव में आज ये अभियान चल रहा है जिसमें 5 तरह की एक्टिविटी हो रही है गांव-गांव में सभी जगह। एक तो सभी गांव में कलश यात्रा निकल रही है, कलश यात्रा के साथ में एक शिला फलकम यहाँ पे एक 5x3 का एक पूरा जिसमें प्रधानमंत्री जी का संदेश उस पर लिखा अंकित किया गया और जो वीरों के नाम भी अंकित किए गए हैं वो है। साथ ही साथ हर गाँव में हर पंचायत में एक स्थान चयन करके 75 पौधे जो हमको आजादी के अमृत महोत्सव को याद दिलाएंगे वो उनका रोपण होगा। इसके साथ में जो हमको 5 प्रण लेना है वो 5 प्रण भी लिए जाएंगे। वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण होगा और वहाँ पर राष्ट्रगान होगा। इस तरह का पूरा एक्टिविटी की गई है। आज हम लोग सभी पूरे जिले में हमारी पूरी टीम लगी हुई है, मैं भी अभी एक BC के बाद वहाँ पर जाऊँगा और इसके साथ साथ में चूँकि जैसा कि आपको मालूम है एक पिछले वर्ष 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान चला था, इस बार भी हर घर तिरंगा 13 से 15 अगस्त चलेगा। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करता हूं कि अभी से अपने तिरंगे की तैयारी कर लें, यदि आपके पास तिरंगा ना हो तो तिरंगा खरीद लें और 13 से 15 अगस्त अपने घर पर शान से झंडा फहराएं और जो ऐसे लोग गरीब हैं जिनके पास झंडा नहीं है तो आप उनको झंडा भी गिफ्ट करें और ऐसा कोई घर न छूटे, ऐसा कोई हमारा कार्यस्थल न छूटे यहाँ पर झंडा रहो सभी जगह झंडा शान से लहराए। इसके साथ साथ में जैसा कि आपको मालूम है हमारा जो माह नवंबर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें भी आज हम लोगों ने इसकी जागरूकता वाला काम किया हुआ है कि हम लोग ये चेक कर लें कि हमारा मतदाता सूची में नाम है कि नहीं। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक हर मतदान केंद्र पर BLO वहाँ पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बैठे हुए हैं, नाम किसी का संशोधन कराना तो वो बैठे हुए हैं तो वो वाला काम चल रहा है। इसके लिए जिले में जो मोबाइल डिस्प्ले वैन वो भी चल रहे हैं वहाँ पर वो जागरूक कर रहे हैं, उस पर LCD वगैरह के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है और EVM को भी हमने गांव भेजा हुआ कि हर व्यक्ति वोट डाल के देख ले जो VPAT पे वोट कैसे डलता है और उसको वोट किसको डाला उसको डाला नहीं डाला हुआ, तो ये पूरी जागरूकता की चल रही है। मेरा सभी से ये अपील है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकतंत्र में है वो वोट है, वोट की जो ताकत हम जानते हैं कि यदि हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं है तो हम वोट नहीं डाल पाएंगे, तो सबसे पहले इस महीने में 31 अगस्त तक अपना नाम जुड़वाने के लिए उसमें मतदान केंद्र पर जाके BLO से नाम जुड़वा सकते हैं और खुद भी जोड़ सकते हैं। आजकल इतना IT का जमाना है इसमें ECI.co.in पर जाकर के जो ECI का पोर्टल है उस पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वोटर हेल्पलाइन ऐप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करके और उसमें भी अपना जुड़नी कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें जो युवा है जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल के हो रहे हैं वो युवा जो बच्चे हैं उनके विशेष आग्रह हमने किया हुआ है कि वो कोई छोटे नहीं स्कूलों के माध्यम से कॉलेज के माध्यम से हमने सबको मैसेज किया हुआ है कि वो अपने मोबाइल में जा करके भी कर सकते हैं BLO से कर सकते हैं। उसमें वो वोटर हेल्पलाइन ऐप पर वो अपनी डिटेल एंट्री करेगा तो उसमें दो उसको प्रूफ देना है, नंबर 1 तो उसको अपना एज प्रूफ जिसमें वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।